दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी शर्मनाक और हैरान कर देने वाली खबरें शेयर करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भाई और बहन का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और दोस्तों, जानवर भी अपने साथ जन्म देने वाली बहन तक के करीब नहीं जाते हैं, लेकिन इस पाक रिश्ते की भी दुनिया में धज्जियाँ उड़ा दी गयी है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो की भाई बहन की शादी करवा रहे हैं, और ऐसे भाई बहन तो शर्म से इनको डूब कर मर जाना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो। भाई हमेशा अपनी बहन की हिफाजत करता है और रखवाली करता है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी बहन पर ही बुरी नजर रखते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही शर्म की बात है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आखिर किस वजह से इन भाई बहनों को साथ में शादी करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अपनी बहन को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। ये घटना शर्मसार करने वाली घटना है। दरअसल भोजपुर जिले में एक भाई ने ही अपनी बहन के संग शारीरिक संबंध बनाए। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। लड़की उसके बच्चे की मां बनने की स्थिति में आ गई। जब इस बात की जानकारी लड़की ने लड़के को दी तो हमेशा के लिए साथ रहने की कसम खाते हुए दोनों घर से फरार हो गए और मंदिर में जाकर शादी कर दी। घर से भागने की जानकारी जब लड़की के पिता को हुई तो नजदीकी थाने में जाकर बच्ची के अपहरण होने का मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज करके जांच कर रही पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी। दोनों शादी करके थाना पहुंचे। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि लड़की के पिता ने इससे पहले लड़की के अपहरण के हो जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस थाने पहुंचकर जहां लड़की ने कहा अब ये मेरा भाई नहीं बल्कि पति है, लड़की की जुबान से इस तरह की बात सुनने के बाद पुलिस वाले जहाँ सिर पकड़ कर बैठ गए, वही थाने पर मौजूद ग्रामीणों ने इस रिश्ते को कलंकित करार देते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की। पुलिस के सामने बयान देते हुए लड़की ने कहा कि हम दोनों के बीच प्यार का ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा था। इसी दौरान मुझे ये पता चला कि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। इस रिश्ते के सामने आने के बाद ना तो हमारे घर वाले हमें एक होने देते और ना ही लड़के के, इसीलिए हम दोनों ने भागकर शादी रचाने का फैसला किया। घर से भागकर हमने शहर के मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली। लड़की के बयान सुनने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं लड़की के भाई प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन पंजाब में एक भाई बहन के रिश्ते का एक ऐसा सच सामने आया जिसने इस रिश्ते की पवित्रता को तार तार कर दिया। पंजाब के इस भाई बहन के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि एक छोटे से फायदे के लिए कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। दरअसल पंजाब में रहने वाली एक लड़की को विदेश में बसना था, लेकिन वीजा की समस्या होने के कारण उसका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उसने अपनी समस्या को अपने भाई से शेयर किया, जिस पर उसके भाई ने उसकी मदद का वादा किया और एक अजीबोगरीब फैसला किया। वहीं लड़के के इस फैसले में उसके परिवार ने भी उसका साथ दिया और लड़की के लिए वीजा जुगाड़ने के लिए गुरुद्वारे जाकर दोनों की फर्जी शादी कर दी। भाई बहन की शादी का जब आस पड़ोसियों को पता चला तो सब हैरान रह गए, जिसके बाद किसी ने पुलिस को इस फर्जी शादी और फर्जी दस्तावेजों की जानकारी दी। मामले की जानकारी देते हुए एसबीएस को इंस्पेक्टर जयसिंह ने बताया कि लड़की का भाई ऑस्ट्रेलिया का स्थायी निवासी है। ऐसे में भाई से शादी करने के बाद लड़की भी नकली दस्तावेजों के सहारे वहीं शिफ्ट हो गई। दोनों ने आपस में शादी करके जाली डॉक्यूमेंट बनवाए और फिर ऑफिस में पंजीयन करवा लिया। उन्होंने आगे बताया कि लड़की का भाई ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है, लेकिन लड़की को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने में समस्या हो रही थी, जिसके चलते दोनों ने ये कदम उठाया। भाई बहन ने आपस में शादी करके धार्मिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था को धोखा दिया है, जो कि एक संगीन अपराध है। भाई बहन की आपस में फर्जी शादी की खबर मिलने के बाद हमने रेड डालकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाग गए और छिपे हुए हैं। पुलिस दोनों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। दोनों पर धोखाधड़ी के आरोप में कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मोहम्मदी लखीमपुर खीरी कस्बे के एक युवती जब अपने बड़े भाई के साथ लखनऊ से घर लौटी तो उसकी मांग में सिंदूर और पैरों में बिछिया देखकर घरवाले दंग रह गए। कारण पूछने पर भाई बहन ने बताया कि उन्होंने आपस में शादी कर ली है तो परिवार वालों की होश उड़ गए। घटना लखीमपुर खीरी के बौद्ध खुर्द गाँव की है, जहाँ सगे भाई बहन को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने चुपके से लखनऊ जाकर मंदिर में शादी कर ली। सगे भाई बहन की शादी की खबर पूरे गाँव में फैल गयी और लोग खुद को शर्मसार महसूस करने लगे। ये मामला इस इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुसूचित जाति के परिवार में युवक अपनी तीन बहनों का इकलौता भाई है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। गांव वाले बताते हैं कि दूसरी बहन के साथ उसके अजीबोगरीब संबंधों को लेकर गांव में पहले से ही चर्चाएं थीं, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि दोनों ऐसा कदम उठा लेंगे। युवक कोलकाता में मजदूरी करता था। एक साल पहले वो अपना काम धंधा छोड़कर गाँव आ गया था। बताया गया कि 8 दिन पहले वो अपनी बहन के साथ चुपचाप घर से निकल गया और लखनऊ जाकर मंदिर में शादी कर ली। 5 दिन पहले जब वो दोनों एक साथ घर लौटे तो परिवार और गाँव के लोग हक्का बक्का रह गए। दोनों के कारनामे के बारे में जानने के बाद जब परिजनों ने
सख्ती बरती तो उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। इसके बाद वे दिल्ली जाने के लिए शनिवार को घर से निकल पड़े। दोनों बस से शाहजहांपुर पहुंचे, वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे तो जीआरपी को उन दोनों को देखकर कुछ शक हुआ। तलाशी ली गई तो युवक की जेब से सल्फास की डिब्बी मिली। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने असलियत बता दी। इसके बाद जीआरपी ने मोहम्मदी थाना पुलिस को सूचना दी। वहां से पुलिस दोनों को साथ लेकर आई। लड़की को पिता की सुपुर्दगी में देने के बाद युवक का शांति भंग में चालान कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह से समाज में आप कुछ भी कर सकते हैं? क्या ये तरीका ठीक है? जी नहीं, ये हो कैसे सकता है? कोई भाई अपनी बहन के साथ शादी कैसे कर सकता है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, देखने के लिए शुक्रिया।